तो स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो में बात करने वाले UGW के बारे में। और भाई तुमको शायद नहीं पता हो लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, UGW का जो चैनल है डिस्कॉर्ड के ऊपर, वहाँ पे जो कंटेंट क्रिएशन वाला पोर्शन है भाई, वहाँ पे मैं अपनी ये वीडियो पोस्ट कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद UGW वाले मुझे भाई लात मार के बाहर निकालने वाले हैं। पार्टी बदल लिया साला। तो भाई वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि आज की वीडियो में UGW से रिलेटेड कुछ सीरियस चीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो देखो, जैसा तुमको पता है, इंडिया में जो हम गेमर्स हैं, हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा इंडिया का कोई तकड़ा बैटल रॉयल होना चाहिए जो कि भाई वर्ल्ड लेवल पे जाके धूम मचाए। बैटल रॉयल भी नहीं, कोई ऐसा गेम होना चाहिए जो कि भाई मोबाइल पे चलता और भाई वर्ल्ड लेवल पे जाके धूम मचाए, जैसे भाई पबजी मोबाइल हो गया, फ्री फायर हो गया, ऐसे बहुत सारे गेम है। तो भाई तुम लोगों का भी ये सपना होगा कि अपना कोई इंडियन बैटल रॉयल होना चाहिए जो इस कमी को भाई पूरा कर दे। देखो स्टार्टिंग में फौजी आया था, उसने भाई पूरा नाम खराब कर दिया था क्योंकि देखो हाइप इतनी ज्यादा थी। उसके बाद अगर बात करूं इंडस की, तो मुझे क्यों तोड़ा, तो अभी ऐसा नहीं बोल सकते हो कि तुम इंडस ने पूरा नाम खराब कर दिया है, क्योंकि देखो उनके डेवलपर ने प्रॉमिस किया है कि हम भाई दिसंबर तक है जो गेम को भाई सही कर देंगे। अभी इंडस का जो नया अपडेट आ रहा है उसके बारे में तो यार बाद में बात करेंगे, वैसे मुझे पता है क्या आने वाला है लेकिन फिर कभी बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन भाई अब बात कर लेते हैं UGW के बारे में। तो देखो फिलहाल के लिए इंडिया में तीन ही बैटल रॉयल अभी हैं फिलहाल के लिए, जैसे अपना इंडस हो गया, उसके बाद UGW होगा, तीसरे नंबर पर होगा स्कारफॉल। तो भाई स्कारफॉल को अभी फिलहाल के लिए कंसिडर नहीं करेंगे इस वाली वीडियो में, क्योंकि भाई वो अभी अल्फा में चल रहा है, उसके लिए तो भाई अलग से ही वीडियो बनाने पड़ते हैं क्योंकि वो गेम थोड़ा उस लेवल का है कि वो डिजर्व करता है एक अलग से वीडियो। कुछ भी। तो देखो UGW का मैं तुम्हें सीन बता दूं, UGW को भाई जब से UGW बन रहा है तो तब से भाई 2-2.5 साल हो चुके हैं UGW को। तो देखा जाए तो भाई UGW के डेवलपर के लिए UGW जो है वो एक नया गेम है। इनके पास फंडिंग की बात करें तो यार पैसा इनके पास बहुत अच्छा है, क्योंकि MPL वालों पे बहुत पैसा है, तो भाई इनके डेवलपर पे भी अच्छा पैसा है। और अगर भाई तुमको बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें करनी है गेमिंग में तो भाई फंड तो भाई तुम्हें चाहिए। तो इनके यहाँ पे बहुत सारे प्लेटर्स वगैरह भी आए। तो अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि UGW का सीन थोड़ा सही है कि वो लोग गेम के अंदर काफी अच्छे से इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, काफी तेजी से इंप्रूवमेंट कर रहे थे एक टाइम तक। लेकिन अगर भाई आज की बात करें तो देखो कुछ ना कुछ देखो प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो अभी जो कुछ टाइम पहले की बात करें तो जैसे जैसे UGW के अंदर नए नए इंप्रूवमेंट आ रहे थे, ग्राफिक का भी तुम्हें बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, उसके बाद भी छोटे मोटे इन्होंने चेंजेस वगैरह गेम के अंदर किए, मैप वगैरह भी इन्होंने जो अपना था भाई धंतारा उसको भी भाई काफी अच्छे से भाई मॉडिफाइड किया। तो जैसे भाई UGW वालों ने ये सारी चीजें करी, उसके बाद भाई UGW का एक टेस्ट हुआ, और उस टेस्ट के बाद देखो 2 महीने में भी शायद होने वाले हैं, उसके बाद हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिली। अगर इनके सोशल मीडिया की तुम बात करोगे तो यार बस Episode 3 तो आ चुका है, उसके बाद इन्होंने भाई एक TDM भी शो किया जो भाई अपने इंडियन कल्चर से जो है इंस्पायर है। और देखा जाए तो TDM की लोकेशन वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और वैसे मुझे लग रहा है कि ये वाली लोकेशन इनका जो मैप है धंतारा उसी के अंदर कहीं घाट के आसपास की लोकेशन है, वहीं पर इन्होंने ये सारी चीज़ें सेटअप करी हैं। TDM की बात करें तो वो भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर TDM के अंदर अगर तुम बात करोगे तो एक चीज़ में प्रॉब्लम है कि ये वाला जो TDM मोड तुम्हें देखने को मिला, इसके अंदर तुम्हें गन्स वही पुरानी वाली देखने को मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम UGW के साथ है, क्योंकि जब से भाई इन्होंने गेम के अंदर और ज़्यादा ग्राफिक पे काम किया है, और भाई मुझे लगता है कि ऑप्टिमाइजेशन इनके लिए अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। अगर देखो ऑप्टिमाइजेशन भी बड़ी प्रॉब्लम ना हो तो भाई कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो है जो कि भाई हमें नहीं पता है, जो कि भाई UGW को खेलना चाहते हैं उन लोगों को नहीं पता है कि क्या ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे लग रहा है कि UGW के डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है, या फिर भाई कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसको वो भाई टैकल नहीं कर पा रहे। इसी रीजन की वजह से जो लास्ट अपडेट था UGW का वो अगस्त के आसपास गया था प्ले स्टोर पे, और उसके बाद भाई ये लोग बिल्कुल गायब ही हो गए। इसीलिए मैंने टाइटल पे लिखा है भाई ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो क्या भाई UGW वाले अब बिल्कुल शांत हो गए हैं, क्या हमें भाई अगला कोई प्लेटर्स देखने को नहीं मिलेगा? तो लास्ट वीडियो मैंने जो UGW के ऊपर बनाया था उसके अंदर तुम्हें बताया था इस चीज के बारे में, पॉसिबिलिटी है कि अक्टूबर के अंदर तुम्हें एक प्ले टेस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन भाई कोई भी प्ले टेस्ट वगैरह अभी फिलहाल के लिए नहीं आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ और प्रॉब्लम है। अगर बात करो कुछ बहुत बड़ा आने वाला है तो मुझे लग रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ बड़ा नहीं आने वाला है। डेवलपर जो है कुछ नई तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम भाई कुछ भी हो सकती है, उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। रही बात इसके अगले वाले प्ले टेस्ट की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इसका अगले वाला प्ले टेस्ट में भी शायद इस साल के एंड तक ही तुम्हें देखने को मिले, अगर ये प्रॉब्लम भाई सॉल्व कर देते हैं। क्योंकि जैसे मैंने तुमको बताया था कि इनका जो बज एपिसोड आने वाले हैं उसके अंदर ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है रिवील कर रहे हैं, और इन्होंने इसमें TDM वगैरह भी रिवील करा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी देखो इसके अंदर जो है अभी ट्रेनिंग ग्राउंड वगैरह का भी अभी कुछ आता पता नहीं है। गन्स की बात करें तो गन्स लिमिटेड हैं, उसके बाद कौन सी नई गन्स हैं उसका भी कुछ आता पता नहीं है। उसके बाद अगर व्हीकल्स की बात करें तो वो भी तुम्हें GP देखने को मिलती है, उसके अलावा तुम्हें कुछ और देखने को नहीं मिलता है।
तो देखो भाई, इंडियन गेम है, इंडियन बैटल रॉयल है। अब देखो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग हो चुकी है, क्योंकि एक ऐसा गेम है जो विदाउट फिनिश के लॉन्च हो चुका है, और एक ऐसा गेम है जो भाई ठीक ठाक चल रहा है लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। UGW की बात कर रहा हूँ मैं। और तो भाई देख लो, मैं तो यार ये बोलता हूँ कि इंडियन जो बैटल रॉयल है भाई, जब तक वो अच्छे से लॉन्च ना हो जाए तब तक भाई इतना ज़्यादा हाइप अप होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी देखो अगर UGW की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके डेवलपर हार्ड वर्किंग है, वो काम तो कर रहे हैं लेकिन वो किसी और प्रॉब्लम को जो है फेस कर रहे हैं। वैसे मुझे थोड़ा बहुत हिंट तो है कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन मैं भाई अभी फ़िलहाल के लिए तो देखो शेयर नहीं करूँगा तुम्हें, क्योंकि यार अभी मुझे कन्फर्म नहीं है। जब मुझे कन्फर्म होगा इसके ऊपर तो मैं तुम्हें भाई इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। लेकिन मैं तुम लोगों से यही बोलूँगा कि जो लोग भी भाई UGW से बहुत तकड़े होप लगा रहे हैं, अभी मत लगाओ। इनका जो नया बीटा आने वाला है उसके अंदर ही तुम्हें देखने को मिलेगा कि इन्होंने क्या क्या सारी चीज़ें जो है ऑप्टिमाइज़ की हैं इस गेम के अंदर। और यहाँ पर तुमको शायद पता ना हो कि मैंने इनके डिस्कॉर्ड के मॉडरेटर से बात करी इसके रिगार्डिंगली नेक्स्ट अपडेट, तो उन्होंने बोला कि बहुत जल्दी आएगा, लेकिन उसको भी भाई कम से कम 15-20 दिन तो हो चुके हैं कि अभी तक उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और UGW के डेवलपमेंट से रिलेटेड एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई UGW अभी फिलहाल के लिए एंड्रॉइड में चलता है, iOS के अंदर इसका भाई कुछ अता पता नहीं है। तो जब भी भाई किसी गेम का डेवलपमेंट होता है तो भाई iOS के अंदर भी उसका डेवलपमेंट होता है, लेकिन UGW का अभी भाई iOS के अंदर कुछ अता पता नहीं है। तो मुझे लग रहा है भाई क्या सीन है, थोड़ा तो भाई यहाँ पे रिस्की काम हो सकता है। देखो भाई कब तक कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है रिगार्डिंग UGW। तो फिलहाल के लिए तो तुम्हारे पास अभी BGMI और न्यू स्टेट जैसे ही गेम है। मुझे लगता है कि भाई हमको ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है इंडियन बैटल रॉयल को लेके, क्योंकि कहीं भाई पता चले आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे ऐसे गेम हो जो फौजी की तरह भाई हमारा काट दें। तो आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप सो तुमको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।